भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनमें से कुछ ने गांधी जी के अहिंसा वाला रास्ता अपनाया तो कुछ ने भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों वाला रास्ता अपनाया। गांधी जी के अहिंसक रास्ते को अपनाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में आचार्य जेबी कृपलानी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हालांकि कुछ मुद्दों पर ये गांधी जी से अलग राय भी रखते थे। आज इन्हीं आचार्य जेबी की पुण्यतिथि है। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। अपने आज के पुण्यतिथि विशेष में हम आचार्य जेबी कृपलानी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालेंगे। आचार्य जेबी कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। इनका पूरा नाम जीवतराम भगवानदास कृपलानी था। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध के हैदराबाद यानी मौजूदा पाकिस्तान में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने के पहले 1912 से लेकर 1927 तक इन्होंने कई शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इस दौरान इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और गुजरात विद्यापीठ में भी पढ़ाने का काम किया था। शिक्षण कार्य के दौरान ही इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और शिक्षक होने के नाते इसी दौरान इन्हें आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ। गांधी जी से प्रभावित होकर धीरे धीरे इनका झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की तरफ होने लगा। यह असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्सा रहे थे। गौरतलब है कि इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के निकट सहयोगी के रूप में भी काम किया था। गांधी जी के आश्रम में ही आचार्य जेबी कृपलानी की मुलाकात सुचेता कृपलानी से हुई और 1936 में दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। बता दें कि यही सुचेता आगे चलकर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। साल 1934 से 1946 के दौरान आचार्य कृपलानी कांग्रेस के महासचिव रहे। साल 1946-47 में ये कांग्रेस के 57वें अध्यक्ष बने, लेकिन नीतिगत मतभेद होने के कारण नवंबर 1947 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। साल 1950 में ये एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1950 में ही आचार्य जेबी ने विजिल पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। गौरतलब है कि इन्होंने भारत की अंतरिम सरकार जो कि 1946 से 1947 के दौरान बनी थी और भारत की संविधान सभा में भी योगदान दिया था। आज़ादी के बाद इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और एक किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद ही समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए इन्होंने एक दूसरी नई पार्टी बनाई जिसका नाम प्रजा समाजवादी पार्टी रखा गया। इसी पार्टी से वे 4 बार लोकसभा के सदस्य रहे और इसी दौरान भारत चीन युद्ध के बाद इन्होंने पहली बार 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। वे नेहरू की नीतियों और इंदिरा गांधी के शासन के आलोचक थे। जब 1971 के लोकसभा चुनाव में वे हार गए तो उन्होंने राजनीति छोड़ आध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण की ओर अपना रुख कर लिया। कृपलानी जी विनोबा भावे के साथ 1970 के दशक में पर्यावरण के संरक्षण एवं बचाव गतिविधियों में भी शामिल थे। गौरतलब है कि इन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद इन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 मार्च 1982 को साबरमती आश्रम में आचार्य कृपलानी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद साल 2004 में माई टाइम्स के शीर्षक से इनकी एक आत्मकथा भी प्रकाशित हुई थी। इस एपिसोड में इतना ही और बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि आचार्य कृपलानी के जन्म के दिन ही एक और महान स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद का जन्म हुआ था, उनका नाम क्या था। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।